हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं बहुत ही लेटेस्ट मुद्दे के ऊपर। एक वीडियो है, किसान प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद, ये कुछ टाइटल है। देखते हैं इसके अंदर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का भी नाम लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्या है ये देखकर पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे। चलो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं इससे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जिस खेत से दहका को मुयसर ना हो रोटी, उस खेत की हर खुशाई गंदुम को जला दो। जो सारे मुल्क का पेट पालता है, उसी के मुंह से नवाला छीन लो। ऐसी पॉलिसियां बनाओ कि रोजी पैदा करने वाला रोजी का मोहताज हो जाए। जब ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएंगी तो फिर इसके नतीजे भी बहुत ना होंगे। आज इस्लामाबाद दारुल हुकूमत कम और कंटेनरों वाला शहर ज्यादा बन गया। इस वक्त कंटेनर इस्लामाबाद का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और रास्ते की रुकावटें भी किसानों के जज्बे के आगे शिकस्त खा गई हैं। 7 रोज पहले इस्लामाबाद से धरना खत्म करके वापस जाने वाले किसान आज फिर वापस धरना देने आ पहुंचे हैं। इस बार कोई रुकावट इनको पीछे हटाने में नाकाम रही है। राणा सना की कांपे टांग रही हैं। वो जो हिकमत और शाफी इलाज के दावे कर रहा था, आज इसकी हकीमी नुस्खे उल्टा असर कर रहे हैं। वो जो हर टीवी शो में बैठकर लोगों को धमकियां लगाया करता था, आज इस्लामाबाद में इसे छुपने की जगह नहीं मिल रही। बिलाकर किसानों ने इम्पोर्टेड सरकार की फिरौनियत और नमरूदियत के सामने सबसे पहले नारे हक बुलंद कर दिया। किसानों का ये एहतजाज रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बेइंतहा महंगे बिलों के खिलाफ है। किसानों का जोश और जज्बा देखकर भारत में पंजाबी किसानों का एहतजाज याद आ गया। अगर किसान मुत्तहिद होकर इंडिया के ट्रैक्टर मार्च की तरह जो 2022 में पंजाबी किसानों ने किया और मोदी की हुकूमत की चूल्हे मिलाती की तर्ज पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें तो बड़ा प्रेशर बनेगा। किसान इतिहाद का मार्च रवाद पर रखी रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। इतना बड़ा एहतजाज है कि राणा सनाउल्ला की कांपे टांग रही है। कुछ रोज पहले किसानों के साथ किए गए तमाम वादे झूठे साबित हुए, इसीलिए किसानों ने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। किसानों ने सब कंटेनर उड़ा कर रख दिए। राणा सनाउल्ला की तमाम तैयारियां बर्बाद हो गई। राणा सनाउल्ला को कोई बता दे कि किसान अपना जिस्म धूप में जलाकर खेतों में अनाज पैदा करते हैं। किसानों को तुम्हारा बाप मोदी नहीं रोक सका था, तुम किस खेत की मूली हो? और अभी खान अपने अवामी सुनामी को लेकर इस्लामाबाद नहीं आए और इस शैतानी चमगादड़ की सारी तैयारी फेल हो गई। मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथ इमरान खान भी मार्च का ऐलान कर दे और इन सब चोरों को पकड़ कर समंदर बुर्द कर दे। इनकी नस्लें याद रखें कि पाकिस्तान को लूटना नहीं। शायद राणा साहब के आंसू गैस से लेस ड्रोन्स और रबड़ बुलेट्स वाली राइफलें सर्विस करवाने गई हुई हैं, इसीलिए वो खामोश हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसकी मईशत का बड़ा इंसार किसानों पर है। इस वक्त सबसे ज्यादा ज्यादती और इस्तेसाल का शिकार भी किसान ही है, मगर ये फासिस्ट हुकूमत किसानों को कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। राणा सनाउल्ला ने अपने हमनवा लिफाफा जर्नलिज्म के मास्टर हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर दावा किया था कि इमरान खान एक मरतबा इस्लामाबाद आए तो सही, इसका मुकम्मल मक्कू ठप देंगे। वैसे राणा सनाउल्ला का बयान अपनी जगह, लेकिन हामिद मीर जिस तरह का गंदा इशारा करके राणा साहब के बयान की तशरीह कर रहा है, वो इन थर्ड क्लास सहाफियों और क्रिमिनल वुजरा के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब कर रहा है। इमरान खान इस करप्ट निजाम के बारे में बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, जितना बड़ा मुजरिम उतना बड़ा ओहदा। जिसे जेल में होना चाहिए वो राणा सनाउल्ला मुल्क का वजीर दाखिला है। जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरह ये शख्स कौम को धमकियां लगाता रहता है, इससे इसकी मुजरिमाना ज़हनियत का अंदाजा होता है। अफसोस का मकाम तो ये है कि पब्लिक को इसके पुरअमन एहतजाज पर धमकियां देने वाले इस फितने का मुंह तोड़ने के लिए कोई नहीं है। निजाम भी ऐसे जुबान दराज और ज़हनी मरीज किस्म के वजीर दाखिला के लिए सजा तजवीज नहीं करता। पीटीआई के नौजवान भी अपने हाथ साफ करने तैयारी में हैं। वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि राणा सनाउल्ला तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम पाकिस्तान के शहरियों को धमकी दो? पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसके मालिक हैं। खान साहब की कॉल आएगी तो हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से राणा पर हाथ भी साफ करेंगे। खान साहब ने आज ही राणा सना को ललकारा। इमरान खान ने राणा सनाउल्ला और चेरी ब्लूसम को यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान वार्निंग दी कि राणा सनाउल्ला अभी से छुपने की तैयारी कर लो, इस बार कप्तान की तैयारी के सामने तुम्हारी आंसू गैस और रबड़ की गोलियां काम नहीं आएंगी। 100 किलो वाली बोरियां एक कंधे से उठाने वालों और पूरा पूरा एकड़ सख्त गर्मी में कई से हल चलाने वालों के सामने ये कंटेनर खड़े किए हैं जो इनके आगे खिलौना साबित हुए हैं। ये पंजाब के किसान हैं, ये पंजाब दुश्मनों को भी ऐसे ही उठा उठा कर फेंकेंगे। सोचने की बात है कि कौन से चैनल हमारे किसान भाइयों की जद्दोजहद को दिखा रहे हैं और कौन सी हड्डी खाने में मसरूफ है। ये सारे चैनल्स अपने लिफाफे और टोकरे हलाल कर रहे हैं। राणा बांदरी से किसान तो रुक ना सके, मूछो वाला बांदर सोच ले तहरीक इंसाफ वाले अब आ गए तो छुपने की जगह भी नहीं मिलनी। वो 40,000 शेल तो आज फारिग हो जाएंगे, फिर क्या होगा जब खान मैच खेलने आएगा? इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब लोग अपने तहफ्फुज के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हवारियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम रंगबाज दौड़ी दौड़ी आएगी और कहेगी कि अब चाहे राणा सनाउल्ला रोए चीखे या पिटे, अब कुछ नहीं कर पाएगा। राणा सनाउल्ला की फुल प्रूफ तैयारी की ऐसी की तैसी करके रख दी किसानों ने। रास्ते से सब कंटेनर हटा दिए और डी चौक की तरफ रवा दवा होगा दमादम मस्त कलंदर। राणा सनाउल्ला कहाँ छुपा हुआ है जो टीवी पर धमकियां देता था? माशाल्लाह किसान भाई तो सोटियां भी हाथ में पकड़े हुए हैं। सोटी खुदा ना खास्ता लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये किसान का ट्रेड मार्क होती है। वो सांपों और कुत्तों से बचाव के लिए रखते हैं। इस्लामाबाद में भी सांप और कुत्ते बहुत जमा हो गए हैं। किसान इन सांपों से निमटने गए हैं। किसानों की
हदा देकर कांपे टांग जाएंगी। हजारों किसान इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। जी आया नु मेरे किसान भाइयों, तुहानू अल्लाह दिया रखा। मेरे देहकान पसीनों में डाले हुए, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। किसानों का मुतालबा क्या है? इनका मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो वापस लिया जाए। पहले किसान को 5 रुपए और 23 पैसे का यूनिट पड़ रहा था और अब वही यूनिट इसे 36 रुपए का पड़ रहा है। किसान को ट्यूबवेल का बिल लाखों में पड़ गया है। अगर इस मुल्क का किसान भूखा मरेगा तो आम आदमी भी भूखा मरेगा। किसान को जानबूझकर इस्तेहसाल का शिकार किया जा रहा है ताकि मुल्क में ज़राअत को नुकसान पहुंचे और अमेरिका का रजीम चेंज अपने सफर की तकमील करे। अमेरिका ने पाकिस्तान के हर उस हिस्से पर वार करना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। ज़राअत एक बड़ा शोबा है, 70% लोग ज़राअत से जुड़े हुए हैं। कोरोना के दौरान भारत और बांग्लादेश में सनअती काम बंद था, मगर इमरान खान ने पाकिस्तान में फैसलाबाद की सनअत को बिजली और गैस पर छूट दी। कुछ ही अरसे के अंदर अंदर फैसलाबाद की सनअत ने उरूज हासिल कर लिया। फैसलाबाद में काम के लिए मजदूर नहीं मिलते थे। रजीम चेंज के बाद इम्पोर्टेड सरकार वजूद में आई तो इस सनअत का पट्टा बिठा दिया। इसके बाद किसानों के हुकूक पर शबखुन मारा। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किसान के मसाइल सुने। इन मसाइल का तदारुक किया। किसान अपने हुक्मरान से खुश थे। जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ किसानों की मदद का बेड़ा उठाया। किसानों के लिए ये गोल्डन वक्त बस वक्ती था। मुसल्लशुदा इम्पोर्टेड सरकार ने किसानों की कमर पर खंजर मारा है। महंगी तरीन बिजली देकर इनसे खेती बाड़ी का हक भी छीन लिया है। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की नौ आबादी बना हुआ है। इम्पोर्टेड सरकार जिसको चाहती है इसका काम बंद कर देती है। ये साफ साफ पाकिस्तान को भूख और अफलास की तरफ धकेल रहे हैं। पहले ही आधे पाकिस्तानी किसान सैलाब में डूबे हुए हैं, बाकी आधों को इस तरह बिजली के बिलों से मारना चाहते हैं। 5 रुपए 23 पैसे फी यूनिट देने वाला किसान 36 रुपए यूनिट बिल दे रहा है, वो अपने जानवर बेच रहा है। कई किसानों ने अपने बिजली के बिल जला दिए हैं, मगर हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इस मरासला हुकूमत ने लोगों की सांस तक छीन ली है। अगर इस इम्पोर्टेड सरकार और इसके मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल वज़ीरों ने अपना रवैया ना बदला तो फिर मुल्क में इंकलाब आएगा। अवाम बिजली के बिलों से तंग आ चुकी है, खुदकुशियों पर मजबूर हो गई है। रियासत से माँ जैसा सलूक चाहती है, मगर हुकूमत डाइन बनकर अपनी ही अवाम का खून चूस रही है। किसानों को गंदम का रेट भी सही नहीं मिल रहा। किसान चाहते हैं कि गंदम की फिक्स प्राइस 4000 रुपए फिक्स कर दी जाए। सिंध में गंदम की कीमत 4000 और पंजाब में गंदम की कीमत 3000 है। किसान चाहता है कि सारे मुल्क में 4000 कीमत मुकर्रर हो जाए। खाद की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए जो कि 15 से 20 हजार में मिल रही है। किसान अगर खाद अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा तो वो किस तरह फसल उगाएगा? खादों पर किसान को सब्सिडी दी जाए ताकि वो मियारी फसल उगा सके। इसके अलावा मशीनरी पर जो टैक्स लगाया गया है इसे हटाया जाए। दूध की कीमतें भी बढ़ाना चाहते हैं। किसानों के सामने तो भारतीय मोदी सरकार भी नहीं ठहर सकी थी, ये तो कमजोर सी इम्पोर्टेड सरकार है जिसका मुस्तकबिल ऑडियो लीक्स के तूफानों का मुकाबला कर रहा है। वैसे भी अब इनकी उम्र ज्यादा नहीं रहेगी। किसानों के बारे में जल्दी फैसला कर लें इससे पहले कि पानी सर पर से गुजर जाए। इस मुल्क में हर इंसान ही तंग है सिवाय उनके जो इलीट से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ असातिज़ा, यंग डॉक्टर्स सब के मुतालबात है, मगर हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो किसी के मुतालबे पूरे नहीं कर सकती। इस वक्त इस हुकूमत का सबसे अहम मसला ऑडियो लीक्स का मामला है। हुकूमत की कश्ती आखिरी हिचकोले ले रही है। वो हुकूमत तो बचाना चाहते हैं मगर कारकर्दगी और पॉलिसी के नाम पर इनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं। इन सब मसाइल का हल इंतखाबात है। पाकिस्तान में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जो ज़राअत, सनअत और तालीम के शोबे में बेहतर फैसले कर सके। मरासला हुकूमत ने अपने सारे केसेस खत्म कर लिए हैं। नैब और FIA को कमजोर तरीन कर दिया गया है। मईशत को बीमार करने वाला इसहाक डार एक बार फिर वापस आ गया है। अब धड़ल्ले से कह रहा है कि मुझ पर झूठे केसेस थे। नैब के कवानीन खत्म करके अब ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब देखना यह है कि किसानों को राणा सना की बर्बरियत का सामना करना पड़ता है या राणा सना छुपने के लिए जगह तलाश कर रहा होगा। हम सब अपने किसान भाइयों के साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। सच में यार, 5 रुपए कुछ पैसे से लेकर 36 रुपए तक कितना बढ़ गया है एकदम से यार। बिल वगैरह बिजली का तो कहाँ से देगा किसान, कहाँ कहाँ से जोड़ जाड़ के उधार उधार ले लेता है कभी कभी तो अपनी किसानी करने के लिए। तो वो चीज़ें लाता है जिसको कहते हैं खाद वगैरह, तो वो डालता है तब किसान कुछ फसल उगाता है। वो चीज़ कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, उसके घर तक चीज़ें वो जाती हैं क्योंकि किसान उगाता है। ये बात सच है। वो चेन कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते वहाँ तक पहुँचती है महंगा होते होते। तो उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ये हमारे इंडिया में भी हुआ था प्रोटेस्ट किसानों का और काफ़ी टाइम तक चला था, अभी कुछ ही महीनों पहले तक चला था, तो बहुत तगड़ा था, बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा। किसानों को मिलना चाहिए। आई थिंक इस्लामाबाद में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहाँ पर अगर इमरान खान इनके साथ जुड़े जाते हैं तो ये प्रोटेस्ट जो है बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो राणा सनाउल्लाह की बात कर रही हैं तो वो गायब हैं भाई। क्यों गायब हैं? मतलब सब कुछ पैसे वैसे बढ़ाकर किसानों की जेब लूटने लेने के बाद गायब क्यों हैं? आकर फेस करें या चीज़ों को सॉल्व करें, करना चाहिए आई थिंक। तो ये तो यार
किसानों को देखकर बड़ा ही दुख होता है कि यार वो जो चीज़ उगा रहे हैं वो हम खा रहे हैं, तो उसी और उसी को सुकून और चैन नहीं है, वो ठीक से अपनी कमाई कर पाए या फिर कुछ चीज़ें वो अपना कर पाए। दूध का रेट, मशीनों का टैक्स, क्या कुछ नहीं वो करते हैं भाई, इतना ही मेहनत करते हैं बॉडी से अपनी, उसके बाद टेंशन ले कि पैसे चुकाने नहीं चुकाने, कर्ज, इस सब से परेशान होकर लोग ख़त्म भी कर लेते हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को। मैंने बहुत सारे लोग केसेस देखे हैं, बहुत सारे, बड़ा दुख होता है ऐसा देखकर। सो ये भी वैसा ही कुछ केस है, किसान फिर से निकल पड़े हैं, इंडिया जैसा कुछ सीन वहाँ पर बन रहा है। तो ये देखना होगा कि कौन मानेगा बात, कब तक मानेगी गवर्नमेंट या कब तक नहीं मानेगी, और इसके बीच में बहुत सारा नुकसान होता है, किसानों का अपना नुकसान है, घर बार छोड़कर आए हैं, बहुत से लोग वहीं पर मर जाते हैं, बहुत सारा कुछ भगदड़ मच जाती है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसके पीछे ये सारी चीज़ें करने के लिए निकल तो पड़े हैं किसान, अब आगे क्या होगा, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और क्योंकि इतनी आसानी से तो भाई ये पैसे नीचे जाने वाले नहीं है, सबको पता है, हमें दुख है, आपको दुख है, सबको दुख होगा किसानों को लेकर, लेकिन यार ये इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएंगे पैसे वैसे जो हैं, जो जेब काटी जा रही है किसानों की, वो इतनी आसानी से तो नीचे नहीं जाएगी, बहुत सारी कुर्बानियाँ होंगी अभी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।